हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बंदर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फ़ोन में छुपे हुए हिडन फीचर के बारे में जो फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड है और आपको पता भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने फिंगरप्रिंट से अपनी लाइफ है या अपने जो फ़ोन को है वो लाइफ के लिए हैक कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपकी लाइफ है वो ईजी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना टाइम वेस्टिंग के। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट जेस्चर। तो सर्च बॉक्स में मैं आप टाइप कर देता हूँ फिंगरप्रिंट जेस्चर। तो देखिए जैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट जेस्चर टाइप किया तो ये ऐप है वो आ गया ऊपर ही ऊपर। इसको क्या कर लेना है कि आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो लगभग ये 2.14 MB की फाइल है, यानी 2.14 MB की ये फाइल है या APK है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कंप्लीट होता है आपको इसे करना है ओपन। तो चलिए यहाँ पर ओपन पर क्लिक किया। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को है वो एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको एनेबल फिंगरप्रिंट जैसे पर क्लिक करना है ना। यहाँ से आपका सब है वो मतलब जो एक्टिव हो चुका है ये ऐप। अब आपको करना क्या है कि ये जो सिंगल टैप, डबल टैप, फास्ट टैप, स्वाइप, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें आपको अपने जो जिस हिसाब से आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करना है वो आप इस पर सेट कर दीजिए। कोई किसी के हिसाब से अगर आप चाहे तो सिंगल टैप पर आपका फ़ोन लॉक हो जाए वो तो होता ही है। अगर आप चाहे कि सिंगल टैप पर आपका कॉल है वो अटेंड हो जाए वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल टैप पर क्लिक कर होम स्क्रीन है वो सेट करता हूँ। मगर जैसे मैं सिंगल टैप करूँगा इस पर तो मेरा फ़ोन है वो होम स्क्रीन पर चला जाएगा चाहे कोई भी ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अभी मैंने ये सेट कर दिया। तो चलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ ये देखिए ये होम स्क्रीन पर चला गया। चलिए मैं इसकी जगह करके देखता एक काम और करके देखता हूँ, रीसेंट ऐप्स को ट्राई करके देखता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने बैक किया और यहाँ पर मैंने सिंगल टैप किया और ये देखिए रीसेंट रीसेंट ऐप्स है वो आ गए। तो इस तरीके से अगर आप चाहे जो चाहे जितना आपके हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसे यूज़ कीजिए। और इसके अलावा डबल टैप करने पर आप चाहे तो कुछ भी मतलब इसके अलावा डबल टैप करने पर क्या होना चाहिए मोबाइल में वो भी आप इसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ डबल टैप करने पर टॉर्च है ना ऑन हो जानी चाहिए। देखिए डबल टैप किया टॉर्च ऑन हो गई और डबल टैप किया तो ये टॉर्च है वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है। देखिए डबल टैप किया बंद हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाती है कि इसमें गैप कितना है, शायद 0.5 सेकेंड का इसमें गैप रहना है। अगर आप एक बार टिक कर दें एक बार टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट पर दूसरी बार टैप करें तो 0.5 सेकेंड का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहे उसे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, आप इसे अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना चाहे कीजिए। अच्छा एप्लीकेशन है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल ज्ञान बंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।